ग्रीटिंग्स लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 सितंबर 12 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना कर सके, हालेलुया। इसलिए दिल से धन्यवाद करें, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, अपने हाथों को उठाकर उसके धन्यवाद कहे, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया। रात को जो अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, उसके लिए धन्यवाद कहे, धन्यवाद पिता। प्रभु आपने हमें समाधान के साथ सुलाया, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल के मीटिंग को परमेश्वर ने आशीषित करके दिया, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 हालेलुया। प्रभु आज के दिन आपने जो जगाया है, आपकी अनुग्रह के लिए धन्यवाद, धन्यवाद पिता। प्रभु आज के दिन आप हमें यीशु मसीह में जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता, हालेलुया, हालेलुया। हम जहाँ पर भी जाते हैं आपके खुशबू को प्रभु फैलाने में आप सहायता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, हालेलुया। प्रभु आपकी दया हमारे ऊपर प्रबल होती है, उसके लिए धन्यवाद। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद पिता। जैसे संगीतकार भजन संहिता के 90 में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, कि हमारा परमेश्वर कौन है, हालेलुया। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए वो तू ने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है, आमेन, हालेलुया। और अगर हम वचन में आगे देखेंगे तो उसमें लिखा है परमेश्वर हमें अपने दया से हमें रखते हैं, 14 वचन में लिखा है भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे, हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर आपको अपनी करुणा से तृप्त करने का दिन बने, हालेलुया। और 17 वचन अगर हम पढ़ेंगे उसमें लिखा है और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर, हालेलुया। परमेश्वर का प्रसन्नता हमारे ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने हमारे हर एक कार्यों को साध्य किया है, दृढ़ किया है, पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद कहे। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस आशीष दिन के लिए धन्यवाद। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आप हमें हाथ पकड़कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। आज के दिन हर एक जरूरतों को आप पूरा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप अपनी करुणा से हमारे जीवन को भरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आज के दिन आपकी मनोहरता हमारे ऊपर है, प्रसन्नता हमारे ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे कामों को आप दृढ़ करके देते, उसके लिए धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के नाम से आप हमारे हाथों के कामों को आप दृढ़ कर दे पिता, हालेलुया। जो रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिनको भी मूत्र में या उनकी यूरिन में जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो जलन का जो अनुभव है, यूरिनरी इन्फेक्शन से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई मिले, हालेलुया। जो भी बाहर से जो भी रोग से है पिता, अद्भुत चंगाई आप उनको देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जिनको नौकरी नहीं है पिता, आप उनको नौकरी दे। आर्थिक में प्रभु आप अद्भुत कार्य करें, प्रभु आप बड़े छुटकारा दे पिता, हालेलुया। आपके बच्चे जो भी विषय में भार से हैं, प्रभु आप अद्भुत कार्य करें उसमें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन जो कार्य उनको आज पूरा करना है, जो उनको मिलना है पिता, आज के दिन जो संभव होना है, जो कार्यों को पूरा करना है, उसमें प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। आपका साधारण हाथ आप बढ़ा दे पिता, हालेलुया। प्रभु आपने ऐसे चमत्कार किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो अभिषेक दास दासियां जो आपकी सेवकाई में है, आप उनके साथ रहे प्रभु, उनके परिवार को आप आशीषित करें, कलीसिया को आशीषित करें, कल की मीटिंग को भी आप आशीषित करें। हम
प्रार्थना करते हैं, सारा आदर और महिमा आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आप सबके जीवन में भरपूरी से हो, हालेलुया। और कल रात को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा कल 9:30 इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा, तो आप प्रार्थना के साथ भागी बने। आज के दिन यूहन्ना की किताब 6:14 से या 15 से अगर हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं उसमें लिखा है, हालेलुया, 16 में लिखा है, फिर जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो चेले हैं परमेश्वर के, वो झील के किनारे से वो कफरनहूम को जाते हैं, लेकिन अंधेरा होने को भी, शाम होने पर भी यीशु मसीह उनके साथ नहीं आते हैं। लेकिन आगे लिखा है, और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। सो जब वे खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और वो डर गए। हालेलुया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ जो बहुत बड़ी लहरें जब उठते हैं तो जब उन्होंने सोचा भी नहीं उस समय वो यीशु मसीह को देखते हैं झील पर चलते हुए। हालेलुया। यीशु झील के ऊपर चलते हुए और नाव के निकट आते देखा। यहाँ पे चेले पहले भी नाव में चढ़े हैं, नाव से उन्होंने यात्राएं की है, उन्होंने लहरों को देखा है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा या कभी उन्होंने चिंता में भी नहीं आया होगा कि यीशु मसीह या कोई भी वो वहाँ पे नाव पे नहीं, लेकिन वो लहरों के ऊपर चलते हुए, हालेलुया, झील के ऊपर से चलते हुए यीशु मसीह नाव के पास आ रहे हैं। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर हमें ये अगुवाई देते हैं, ये हमें सिखाना चाहते हैं कि आप कोई भी परिस्थिति में हो, कोई भी चुनौती का सामना करते हो, कोई भी ज़रूरत के बीच में हो, उसके ऊपर से भी परमेश्वर चल के आके हमें आशीषित कर सकते हैं। हमारे लिए प्रवृत्ति करने वाला परमेश्वर है, कोई परिस्थिति है उसमें परमेश्वर अद्भुत कार्य कर सकते हैं, हमारे सोच के भी बाहर से परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चों को हमेशा एक आशा होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए कोई भी समय मेरे लिए कार्य कर सकते हैं, हमेशा मेरे परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे लिए वो बात करते हैं, वो मेरे लिए खड़े हैं। इस बात का विश्वास होना चाहिए। आज के दिन हमें वो विश्वास हो, मेरी कोई भी अवस्था हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन हर समय मेरे साथ यीशु मसीह है और वो आके मुझे सहायता करेंगे। परमेश्वर जब सहायता करते हैं, परमेश्वर जब हमारे लिए कार्य करते हैं, उसमें कोई सीमा नहीं, उसमें कोई भी परिस्थिति उनको रोक नहीं सकती। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर राजा है। इसलिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। आपको देख के आज के दिन हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि आप जो भी विषय में, जो भी भार से, जो भी प्रयास में, आपके उस विषय के सामने यीशु मसीह उतर आके आपकी वो छुटकारा देंगे। उस विषय में आपको आके परमेश्वर हाथ पकड़कर आपको बाहर निकालेंगे। आज के दिन परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे, जहां पे आप सोच भी नहीं सकते वहां पर आपके लिए परमेश्वर आशा देते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कार्य करेंगे। इसलिए विश्वास के साथ आप अपने कार्यों को करें, वो अब आपके काम में हो, आपके आर्थिक विषय में, आपके व्यापार में, आपके बच्चों के विषय में हो या पारिवारिक विषय में हो, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत छुटकारा देंगे। कि 2023 सितंबर 12 तारीख को आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे, उनसे सब कुछ साध्य है। हालेलुया। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन लिखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।